नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पात्र। केंद्र सरकार की ओर से पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर इस अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत सरकार ने लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घर पर तिरंगा फहराने की अपील की है। और इसी कड़ी में आप पिछले कई दिनों से देख पा रहे होंगे कि देश के अलग अलग कोने से हर घर तिरंगा अभियान का पूरा समर्थन भी किया जा रहा है। विपक्ष की छोड़ आम लोग भी बढ़ चढ़कर देश का गौरव बढ़ाने में लगे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस अभियान के खिलाफ खड़ा होकर पार्टी के हर कार्यकर्ता की डीपी को नेहरू के हाथ में तिरंगा लेकर जवाब दे डाला और इस अभियान का विरोध किया। हालांकि कई लोगों ने तो अपनी प्रोफाइल और डीपी को इंडियन फ्लैग से सजा ली। इस बीच धरती की जन्नत यानी कश्मीर से भी तिरंगा अभियान से ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिसने ये साबित भी कर दिया कि कश्मीरियों के जहन में सिर्फ हिंदुस्तान ही बसता है। सोशल मीडिया फिलहाल देश की शान तिरंगा अभियान से लबालब भरा हुआ है, लेकिन इसी सोशल मीडिया पर बीजेपी ने तिरंगे का अपमान कर डाला, जो फिलहाल बीजेपी शासित देश की सरकार के लिए मुश्किल बढ़ाने का काम कर रहा है। यह तस्वीर रवि किशन की है, जो कि गोरखपुर से सांसद भी है। सांसद साहब ने फोटो तो तिरंगे के साथ ली, लेकिन तिरंगे को पीठ देकर ऐसा हम नहीं बल्कि विरोधी पार्टियों की ओर से ट्विटर पर कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया के मास्टरमाइंड श्रीनिवास लिखते हैं कि तिरंगे को पीठ, कैमरे को सलामी, सारे भाजपाइयों को एक ही रोग है। वहीं यूजर्स भी सांसद रवि किशन पर तिरंगे के अपमान पर सवाल उठा रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं, यूजलेस लीडर, डू नॉट इवन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ तिरंगा। दूसरा यूजर मजे लेते हुए लिखता है, जियो हो यूपी के लाला। कुछ लिखते हैं, फोटो जी। इनमें से कुछ यूजर्स रवि किशन के सपोर्ट में आकर राहुल गांधी के पुराने वाले फोटो वायरल करके सलामी कैसे ली जाती है उसको भी ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से सांसद रवि किशन कुछ दिन पहले ही रवि किशन ने अपने घर की छत पर तिरंगा भी फहरा चुके और पिछले कई दिनों से हर घर तिरंगा अभियान में एक्टिव भी हैं। हालांकि विपक्ष तो अमूमन ऐसे मामलों को मुद्दा बनाने की कोशिश करता रहता है। सोशल मीडिया पर सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करने वाले श्रीनिवास इस मामले पर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, लेकिन खबर का दूसरा पहलू यह भी है कि बड़े बड़े राष्ट्रदूत जब हाथ मिलाते हैं तब भी देश का झंडा पीछे ही होता है। खैर, लोग इस पर अलग अलग रिएक्शंस दे रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।